टॉपिक है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में NMHP भी कहते हैं। N फॉर नेशनल, M फॉर मेंटल, H फॉर हेल्थ एंड P फॉर प्रोग्राम। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम या फिर NMHP वॉज स्टार्टेड इन 1982 में। ये स्टार्ट हुआ विद द ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे इसके? Objective of NMHP to ensure the availability and accessibility mental health care services to all, सभी के लिए available हों mental health care services और accessible हों, सुलभ हों। To ensure the mental health knowledge in general health care and in social development, ये हम ensure हों कि जो mental health की knowledge है वो general health care में शामिल हो और social development में भी। देन टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मेंटल हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ केयर के लिए कम्युनिटी का भी भागीदारी हो, उसको प्रमोट करना। टू प्रोवाइड सस्टेनेबल बेसिक मेंटल सर्विसेज टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी में जो भी बेसिक मेंटल सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करना। एंड टू इंटेग्रेट दीज सर्विसेज विद अदर हेल्थ सर्विसेज, और इन सर्विसेज को और जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके साथ उनका समीकरण करना, एक करना उनको। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, जो भी पेशेंट हैं मेंटल इलनेस से रिलेटेड उनका अर्ली डिटेक्शन करना और फिर उनका उपचार करना। टू सी दैट दोज पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स डू नॉट हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू एक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर मेंटली इल पेशेंट। तो ये देखना कि जो पेशेंट हैं और उनके रिलेटिव हैं उनको ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करना पड़े, जो मेंटली इल पेशेंट हैं उनकी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। टू टेक प्रेशर ऑफ द लार्जर और सेंट्रल मेंटल हॉस्पिटल, जो लार्जर और जो सेंट्रल मेंटल हॉस्पिटल हैं उनके उनका प्रेशर कम करना। टू रिड्यूस द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अटैच टूवर्ड मेंटली इल पर्सन, जो मेंटल इल पर्सन के लिए स्टिग्मा होती है और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है उसको कम करना। रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज फॉर सच कैटेगरी ऑफ पर्सन, और जो मेंटल इल पर्सन हैं पेशेंट हैं उनके रिहेबिलिटेशन सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना। अब जो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दी है WHO ने, मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेलबींग है इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन एबिलिटी कैन कॉप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज़ एबल टू मेक ए कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। तो मेंटल हेल्थ क्या कहलाता है कि जो व्यक्ति है वो अपना स्टेट ऑफ वेलबींग में हो, अपनी अच्छी स्थिति में हो और वो अपने जो भी स्ट्रेस तनाव आ रहे हैं उनसे कॉप कर पाए, उनको उनसे वो सही ढंग से उनसे निपट पाए और प्रोडक्टिवली वर्क करे और कम्युनिटी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे। जबकि मेंटल इलनेस क्या है? मेंटल इलनेस इज़ ए मेडिकल कंडीशन दैट डिसरप्ट पर्सन थिंकिंग, जो पर्सन की थिंकिंग को, फीलिंग को, मूड एबिलिटी को और उसको डिसरप्ट कर देती है, दूसरों पर रिलीज़ करता है और डेली फंक्शनिंग में वो दिखाई देती हैं। मेंटल इलनेसेस आर मेडिकल कंडीशन दैट ऑफन रिजल्ट इन डिमिनिश्ड कैपेसिटी ऑफ कॉपिंग विद द ऑर्डिनरी डिमांड ऑफ लाइफ, जो जनरल तनाव या स्ट्रेस होते हैं उनसे कॉप नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति। अब आता है जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ ऑल वर्कर इन द मेंटल हेल्थ टीम एट आइडेंटिफाइड नोडल इंस्टीट्यूट इन द स्टेट, जो आइडेंटिफाइड नोडल इंस्टीट्यूट हैं स्टेट में वहाँ पर जो मेंटल हेल्थ टीम के वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना। एजुकेशन ऑफ पब्लिक रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ टू इंक्रीज द अवेयरनेस, जो पब्लिक है उसको मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना जिससे उनकी अवेयरनेस बढ़े। फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आउट पेशेंट सर्विसेज एंड इन पेशेंट सर्विसेज आर प्रोवाइड, अर्ली डिटेक्शन हो मेंटल इलनेस को और अर्ली ट्रीटमेंट हो आउट पेशेंट में भी इन पेशेंट में भी। देन प्रोवाइडिंग द वैल्यूएबल डाटा एंड एक्सपीरियंस एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी टू द स्टेट एंड सेंटर फॉर फ्यूचर प्लानिंग, तो वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड करना और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना कम्युनिटी, स्टेट और सेंटर लेवल पे। देन इम्प्रूविंग इन सर्विस एंड रिसर्च, सर्विस इन सर्विस को और रिसर्च को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट आता है द टीम ऑफ वर्कर एट द डिस्ट्रिक्ट अंडर द प्रोग्राम ऑफ ए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर क्या कौन से आते हैं हेल्थ टीम, तो साइकेट्रिस्ट आते हैं इसमें,
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, कम्युनिटी नर्स, प्रोग्राम मैनेजर, केस रजिस्ट्री असिस्टेंट और रिकॉर्ड कीपर। लेवल ऑफ NMHP क्या क्या लेवल होते हैं? दिस प्रोग्राम इंक्लूड 3 सब प्रोग्राम, जिसमें कि पहला होता है ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम, जिसमें विलेज लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दूसरा है रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम और तीसरा है प्रिवेंशन सब प्रोग्राम। देन आते हैं ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन में, मेंटल हॉस्पिटल में और सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन में। अब नर्सिंग रोल इन NMHP और मेंटल हेल्थ सर्विसेज, नर्सिंग रोल क्या क्या हैं? अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थ पर्सन, की कैरेक्टरिस्टिक समझना एंड डिफ्रेंशिएट एबनॉर्मल फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर उसको डिफ्रेंशिएट करना। आइडेंटिफाई रेफर फॉलो अप द मेंटली इल पर्सन इन द कम्युनिटी, कि रेफर फॉलो अप कहाँ पर होगा उसका आइडेंटिफिकेशन करना। देन प्रोवाइड फर्स्ट एड ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान फर्स्ट एड प्रोवाइड करना। असिस्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू केयर ऑफ मेंटली इल इन द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे असिस्ट करना, जो भी केयर है उसमें। कंडक्ट मेंटल हेल्थ एजुकेशन कंडक्ट करना टू पेशेंट एंड देयर फैमिली मेम्बर्स के लिए। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू हेल्थ वर्कर इन मेंटल हेल्थ केयर में, हेल्थ वर्कर के लिए ट्रेनिंग देना। सुपरविज़न एंड मोनिटर द एक्टिविटी ऑफ हेल्थ वर्कर, जो हैं उनकी सुपरविज़न करना और मोनिटर करना एक्टिविटी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ केयर। पार्टिसिपेट इन वेरियस थेरेपीज़ यूज इन ट्रीटिंग साइकेट्रिक पेशेंट के लिए, जो भी अलग अलग थेरेपीज यूज हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करना। असिस्ट मेडिकल ऑफिसर एंड कोऑर्डिनेट द प्रोग्रेस एक्टिविटी रिलेटेड टू NMHP। ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट द रिहेबिलिटेशन एक्टिविटी फॉर मेंटली इल इन द कम्युनिटी, ऑर्गेनाइज करना और कोऑर्डिनेट करना रिहेबिलिटेशन एक्टिविटी को। तो आज हमने पढ़ा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।